चाल क्या होती है ते रेखी समीकरण क्या होती है, चाल क्या होता है ते रेखी समीकरण क्या होता है, चाल चाल इंग्लिश बोलते हैं वेरिएबल, इंग्लिश क्या बोलते हैं भाई वेरिएबल, जीदी चाल मतलब क्या है, जीदी जी वैल्यू है वो बदल सकती है घट बढ़ सकती है, चाल कहते हैं, कॉन्स्टेंट नहीं होती स्थिर नहीं होती, क्या कहने पर भाई चाल, जिमें आप कह सकते हैं जिम्मे मान लो एक समीकरण लिखी मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, हूँ ये चाल कहे कहे ने, जे मैं चालों की गल करा एक चाल ते ए एक्स तो दूसरा चाल क्या है भाई ये दोनों की ने भी चाल, जे ए बी सी ने ए बी सी एक है ना स्थिर अंक है, इन्हें भाई स्थिर अंक या आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंट, तो जो एक्स ते वाई है दोनों की ने भी चाल है, इन्हें चाल या फिर वेरिएबल, ठीक है, उन दो चाल इस समीकरण, इस समीकरण लिखने में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस समीकरण के कितने चल रहे भाई दो चल रहे, इस करके दो चल कहने में दो चला वाले, रेखी समीकरण क्यों कहा गया कि जो चलों की वैल्यू जी ताकत हैगी है, चल दी जी घात अंक है घात अंक एक होगी तो उन्होंने रेखी समीकरण कहते हैं, जल जो चल की जी घात अंक है यानी कि पावर हैगी एक होगी उन्होंने क्या बोलते हैं रेखी समीकरण, जो पावर दो हो जाए तो आप क्या बोलते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो घाती समीकरण, पंजाबी की बोलते हैं भाई दो घाती समीकरण, जो इन्होंने पावर एक जो कुछ नहीं लिखा हुआ ना उपर यह मतलब कि पावर नहीं दिखी है भी एक है, एक पावर वाले क्या होंगे ने सारे रेखी समीकरण, और समझे दो चलों वाले रेखी समीकरण बारे अपने पढ़ना है, क्या पढ़ना है अपने भी दो चलों वाले रेखी समीकरण बारे इस पाठ के अपने पढ़ना है, समझे गल हूँ, चलो अगे 4.1 ते आ जाओ, 4.1 ते आ जाओ, पहला सवाल देखो की लिखा हुआ है, एक कापी का मुल पेन के मुल तो दुगना है, दो चीजा ने अपने को, एक कापी है पेन, ठीक है कापी एक पेन, अपन मुल नहीं पता आप कहेंगे भी मान लो कापी का मुल, मान लो कापी का मुल एक्स, पेन का की मना भाई वाई, दो चार मान लिया अपने दो चल वाले, दो चल वाले समीकरण बने हैं अपने, दोनों चल मान ले, आगे देखो पढ़ो कहता कि इसे कहता एक कापी का मुल पेन के मुल तो दुगना है, कापी कि अपने को भाई एक्स है आ लो जी, तो पेन का मुल कि भाई कापी का मुल जोड़ा है पेन के पेन 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 के मुल तो कितना भी दुगना, एक कापी का पेन मुल हो गया ये कि बराबर है भी पेन के मुल के आ लो जी, ये समीकरण बन गई एक्स इधर ले आओ माइनस दो वाई इज इक्वल टू जीरो, देखो अपने तीन चीजा चाहिए होंगे, अपने पहला भी समीकरण लिखी सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तीन चीजा चाहिए ना, दो तो है ये जो कुछ नहीं है तो की है भाई एक है, दो है तीजी जो नहीं है तो अपन पास जीरो मान लेंगे, इन जीरो के बराबर मान लें, ये तो पहले क्वेश्चन का दूजा सवाल भी ए इस बेस दूजा सवाल हैगा, ये समझाया पहला अगर सब समझ आए, हूँ दूजे क्वेश्चन के देखो की कह रहा है, कहता ए एक्स बी वाई प्लस सी के रूप में दर्शाओ हरेक स्थिति ए बी सी का मुल कटो, हूँ पहली क्वेश्चन क्या है दो एक्स प्लस तीन वाई दो पॉइंट चलो नौ पॉइंट पैंती, पहला तो अपने इस रूप में दसना, इस रूप में दसना भी इस रूप में पहला एक्स वाला लिखना फिर वाई वाला फिर कॉन्स्टेंट टर्म यानी स्थिर अंक फिर जीरो, आ देखो दो एक्स का दो एक्स तीन वाई का तीन वाई उधर ले इधर प्लस इधर क्या बन गया माइनस 9.35 उधर कुछ नहीं रहा जीरो, हूँ ए की वैल्यू कितनी है जी जो भी एक्स के नाल लिया हो ए की वैल्यू है ए कितना हो गया तेरे पास दो, बी कितना है जो वाई के नाल लिया हो सी कि जी
पीछे रह गया माइनस नाइन पॉइंट पहला क्वेश्चन मुश्किल है बस एक सवाल करना होर ते बाकी तुसी करके दिखाने ने एक सम हां तुसी आप कर रहे हैं एक देखो सत्तवां सवाल है वाई माइनस दो सत्तवां सवाल वाई माइनस दो बराबर जीरो हूँ देखो जे एक्स वाला है विच नहीं है तो जे नहीं है लिखांगे आप जीरो एक्स वाई वाला है वाई बराबर माइनस दो का दो है दो लिखता है जीरो का जीरो जो उन्हें कुछ नहीं होता तो क्या होता फिर एक फिर ए की वैल्यू कितनी होगी भाई जीरो है ना बी की कितनी होगी एक सी की कितनी होगी माइनस दो ए पहला तो सुपर ए सेकंड सामने बाकी पार्ट्स तुम आप करने होंगे करके दिखाओगे तो ए तुम समझ गए।